यार कॉलेज लाइफ बहुत मस्त होता है, इसमें कोई भी शक नहीं है। लाइक मेरे कॉलेज का बस एक साल बचा है, आई एम लाइक नहीं यार मुझे कॉलेज से नहीं जाना। बट एक जो इश्यू आई थिंक सारे लोग अपने कॉलेज में फेस करते ही हैं, वो होती है पैसों के इश्यू। मेरे साथ ये इश्यू था फर्स्ट ईयर तक, बट उसके बाद आई सॉर्टेड देम आउट एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना लेट यू नो कि मैंने ऐसा कैसे किया। Hey guys, what's up? My name is Eclipse Nova. I'm a singer songwriter. I run a YouTube channel where I upload my music videos. And yeah, उन videos को बनाने में काफी सारे पैसे लगते हैं एंड वो मैं पैसे अपने पॉकेट से इन्वेस्ट करता हूँ। इन दिस वीडियो आई लेट यू नो कि मैं उन पैसों को कहाँ से लाता हूँ। मैंने ऐसा कुछ भी पॉइंट नहीं बोला है जो कि मैंने नहीं किया हो। फॉर श्योर देर आर सो मेनी वेज बाई विच यू कैन अर्न मनी, बट इस वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात की है जो कि मैंने खुद फॉलो किया। ओके, सो द फर्स्ट वे बाई विच यू कैन अर्न मनी इज बाई यूजिंग योर एकेडमिक नॉलेज। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड क्योंकि मैंने शायद कैप्शन या कहीं पे ऐसा मैंशन तो पक्का किया होगा कि अगर तुम कॉलेज में हो, तो अगर तुम कॉलेज में होगे तो तुम पक्का किसी ना किसी एकेडमिक कोर्स में इनरोल्ड हो गया। सपोज कि तुम किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, फॉर श्योर तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थोड़ा बहुत तो आता होगा। चलो बिल्कुल भी नहीं आता, 11th 12th में तुमने बिल्कुल ही कुछ भी नहीं किया, 8th 9th में तो पढ़ा था, 7th में तो पढ़ा था। तुम इजिली बच्चों को होम ट्यूशंस दे सकते हो एंड फॉर श्योर अगर तुम दिल्ली या किसी ऐसे बड़े शहर में हो तो एक घंटे का तुम 1000 रुपये कमा सकते हो इजिली। अगर तुम्हें इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है कि तुम किसी के घर पर जाके पढ़ाओ, उसमें टाइम वेस्ट होगा वगैरह वगैरह एंड ऑल दैट शिट, देयर आर सो मेनी अदर वेज। लाइक देयर इज दिस वेबसाइट कॉल्ड सुपर प्रॉफ, मैंने खुद उसको यूज़ किया हुआ है, इनफैक्ट मैंने अभी भी रिसेंटली फिर से उस पर अकाउंट बनाया। सुपर प्रॉफ एक वेबसाइट है जहाँ पे जाके तुम अपना अकाउंट बना सकते हो एंड तुम्हें जो भी सब्जेक्ट पढ़ाने का मन करे एंड जिस भी क्लास को पढ़ाने का मन करे तुम ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ा सकते हो। नॉट ओनली ट्यूशंस, देयर आर सो मेनी अदर वेज बाय विच यू कैन अर्न बाय यूजिंग योर एकेडमिक नॉलेज। एज फॉर एग्जांपल, जब मैं सेकेंड ईयर में था तब मैंने एक इंटर्नशिप की थी एक वेबसाइट के लिए, द वेबसाइट इज कॉल्ड testbook.com। तो मैंने testbook.com पे इंटर्नशिप किया था एंड वो मुझे पर क्वेश्चन अराउंड 30 रुपीज़ या 40 रुपीज़ कुछ पे करते थे एंड वो बहुत ईजी क्वेश्चन होते थे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते थे। डजेंट मैटर तुम साइंस के स्ट्रीम में हो, एज फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मान लो इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो तो तुम कॉन्टेंट राइटिंग कर सकते हो। इंटर्नशाला पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो कॉन्टेंट राइटिंग, तुम्हें बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें कॉन्टेंट राइटर्स की जरूरत है। सो यार, डजेंट मैटर कि तुम कौन से अकेडमिक कोर्स में इनरोल्ड हो, फॉर श्योर योर अकेडमिक नॉलेज कैन अर्न यू अ लॉट ऑफ मनी ईजिली। बस तुम्हें एक अच्छे साइट को ढूंढना है। मैं साइट के नाम खुद से नहीं डाल रहा नीचे, कुछ कुछ का डाल दूंगा, बट प्लीज़ खुद से सर्च करना, इन दैट वे यू विल लर्न ओनली। ओके, द सेकेंड वे बाय विच यू कैन अर्न मनी इन योर कॉलेज इज बाय यूजिंग योर हॉबीज इन अ प्रॉपर वे। एज फॉर एग्जाम्पल वट आई डू दीज डेज इज, मैं पता होगा कि मुझे थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है, मैं थोड़ा बहुत कैमरा यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत डायरेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने ये शुरू किया है कि मैं अपने फ्रेंड्स के म्यूजिक वीडियोस बनाता हूँ एंड मैं उसके लिए उनसे पैसे चार्ज करता हूँ। ज़्यादा पैसे नहीं लेता क्योंकि वो फ्रेंड्स है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि अब मेरे फ्रेंड्स के भी मैं करने लगा हूँ तो बहुत सारे और भी लोग हैं जो कि मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होते हैं वो मुझे जानने लगे हैं एंड मैं उनके लिए भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे तो मैंने कैमरे का एग्जांपल दिया क्योंकि ये मेरा हॉबी है, मेरे इंटरेस्ट का चीज़ है, बट फॉर श्योर तुम्हारा भी किसी ना किसी और चीज़ में इंटरेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यू आर गुड एट प्लेइंग गिटार देन फॉर श्योर तुम गिटार सिखा सकते हो लोगों को। नो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें गिटार को लेकर रास्ते पर निकल जाना है फिर ढूंढना है कि हाँ मुझसे कोई गिटार सीख लो, प्लीज़ गिटार सीख लो। वंस अगेन देर इज दिस वेबसाइट कॉल superprof.com जहाँ पे तुम बच्चों को पढ़ा तो सकते ही हो, जो कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया। अपने आप पे भरोसा होना चाहिए एंड अपने स्किल्स पे भरोसा होना चाहिए। अब नाउ यू विल बी लाइक यार मुझे गिटार बजाना तो आता है बट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता कि मैं किसी को सिखा पाऊँ। ये सिर्फ गिटार बजाने में नहीं, तुम किसी भी चीज़ को अगर किसी और को सिखाने के लिए जा रहे हो तो वट आई फील इज़ कि तुम उसे तब तक सिखा सकते हो जब तक वो एटलीस्ट तुम्हारे इतना अच्छा नहीं बन जाता या फिर उसके डाउट्स जो हैं तुम्हारे सिर के ऊपर से नहीं जाने लगते। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कहाँ तक, तुम्हारा क्या लेवल है, ताकि तुम सामने वाले को भी बेवकूफ़ मत बनाओ। ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं सीखाऊंगा जाके तुम उसे बेवकूफ़ बनाओ, ना ही मैं ये करता हूँ। यूटिलाइज योर हॉबीज एंड योर स्किल्स टू दैट एक्सटेंट ओनली जहाँ पे वो लोगों को फायदा कर रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने फ्रेंड्स की बात करूँ, माई फ्रेंड नीलेश एंड देयर सो मेनी अदर फ्रेंड्स हु पार्टिसिपेट इन डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स लाइक बैटल ऑफ बैंड्स होता है डिफरेंट कॉलेजेस में एंड वो काफ़ी सारे पैसे देते हैं जीतने पे। तो अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में एक सीज़न आता है जब DU में बहुत सारे फेस्ट हो रहे होते हैं एंड हर एक कॉलेज ना विनर्स के लिए प्राइज मनी रखता है। तो अगर तुम गुड इनफ हो तो यू कैन ईजिली अर्न मनी जस्ट बाई पार्टिसिपेटिंग एंड विनिंग दोज कॉम्पिटिशन्स। क्योंकि अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हें जितने में कुछ लगेगा नहीं, बस तुम्हें एक गाना सेंड करना या फिर तुम्हें बस एक स्केच बना के सेंड करना जो कि शायद ऑलरेडी तुम्हारे पास बना हुआ होगा, बस थीम को मैच करना चाहिए, वो एक अलग इशू है, ठीक है। बट ठीक है, अगर तुम उसमें प्रो हो तो तुम्हें ज़्यादा टाइम ही लगेगा। अगर तुम कोडिंग एंड ऑल में हो तो यू कैन पार्टिसिपेट इन हैकेथॉन, काफ़ी अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा इससे तुम्हें फ़ायदा भी होगा। एक तो कॉम्पिटिटिव स्किल तुम्हारी बढ़ेगी, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे आसपास के लोग कितना ज़्यादा अच्छे हैं तुमसे। एट द सेम टाइम इन केस यू विन यू ऑल्सो गेट मनी, बट द सेम टाइम तुम्हें इसके लिए अच्छा होना पड़ेगा। वैसे अच्छा तो हर चीज़ में होना पड़ता है अगर तुम ऐसे देखो तो। गाइज, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 4, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड इसे लोग बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर देते हैं
या फिर लोग कहते हैं कि नहीं यार ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। बट आई मीन माई व्लॉगिंग एंड ब्लॉगिंग इज क्लियर। ऑब्वियसली व्लॉगिंग क्या होता है कि तुम जो भी कर रहे होते हो उसे एक प्लेटफॉर्म पर डालते हो, से यूट्यूब, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉमन है वीडियो अपलोड्स के लिए। एंड ब्लॉगिंग इज मोर ऑफ राइटिंग स्टफ, जिसमें कि तुम चीज़ों के बारे में लिखते हो, मोस्टली रिलेटेड टू योर ओन लाइफ। यू कैन ऑल्सो शेयर द स्टोरी ऑफ समवन एल्स, और यू कैन राइट अबाउट थिंग्स। एज फॉर एग्जाम्पल, यू वेंट टू अ ट्रिप टू शिकागो एंड यू आर राइटिंग अबाउट कि हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस, कि तुमने क्या क्या किया, कैसे किया एंड हाउ वॉज शिकागो। सो दिस इज ब्लॉगिंग एंड दिस इज व्लॉगिंग। अब इससे तुम पैसे कैसे कमाते हो ये काफ़ी क्लियर है। यू नो वेरी वेल कि जो व्लॉगर्स होते हैं या फिर ब्लॉगर्स होते हैं, दे गेट पेड बाई द ब्रांड्स दे कोलैबोरेट विथ। नाउ यू विल बी लाइक, हाँ यार ये सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, बट मैं व्लॉगिंग कैसे कर सकता हूँ, मतलब मेरी लाइफ इतनी हैपनिंग नहीं है, या फिर ऐसी चीज़ें जो कि तुम्हारे मन में भी आ रही होंगी। देखो यार, सच बताता हूँ मैं, तुम दुनिया के किसी भी कोने में और तुम कुछ भी कर रहे हो, फॉर श्योर वो किसी ना किसी के लिए इंटरेस्टिंग है। इस बात को मान लो, तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग नहीं हो शायद, बट देर इज़ समवन एल्स आउट देयर। 7 बिलियन पॉपुलेशन है, ट्रस्ट में इंडिया में ही 1 बिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। फॉर श्योर देर आर सो मेनी पीपल जिन्हें तुम्हारा जो कंटेंट है, जो तुम करते हो, हे गाइस आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, आई एम लर्निंग दिस, आई एम लर्निंग दैट, वो पसंद आएगा। नाउ अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम पहाड़ों पर चले जाओ और उसे व्लॉग बनाओ, हे गाइस आई एम एट दिस माउंटेन, यहाँ पे बहुत अच्छी हवा बह रही है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, वो एक अलग केस है, ठीक है, उसके लिए तुम्हें फिर बहुत सारा पैसा ऑलरेडी चाहिए होगा। व्हाट आई एम आस्किंग यू टू से इज कि तुमने उस दिन में, उस पार्टिकुलर दिन में जो भी सीखा उसको डॉक्यूमेंट करो एंड अपलोड करो। एज फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आज गिटार उठाया है एंड अभी मैं गिटार बजाना सीख रहा हूँ, अगर मैंने 4 ही कॉर्ड सीखा है, ई सी एफ एन जी, तो उसके बारे में वीडियो बनाओ कि हाँ यार मैंने आज गिटार सीखा एंड मेरे हाथ कट गया, मुझे ये गिटार 2000 रुपये का पड़ा था, बट मुझे लग रहा है कि मुझे इसे बेच देना चाहिए, बट ठीक है मुझे लग रहा है कि मुझे और सीख भी लेना चाहिए, देखते हैं कि मैं 1 महीने में कैसे सीखता हूँ, देख लो यार तुम्हें क्या करना है इस वीडियो का, बट ये मेरे साथ आज हुआ। तुम्हें लग रहा है कि ये बहुत बकवास आइडिया है, बट ट्रस्ट मी, इन केस यू मेक अ वीडियो लाइक दिस, मेक 30 वीडियोज लाइक दिस, आई कैन बेट ऑन दिस, यू विल हैव मोर देन 500 सब्सक्राइबर्स। एंड एक बात बता दो कि सब्सक्राइबर्स एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं, एंड मैं 500 सेफ साइड के लिए बोल रहा हूँ, फॉर श्योर वो 3000 से ज्यादा होंगे। कितना इंटरेस्टिंग है यार, आई स्टार्टेड लर्निंग टू प्ले गिटार, आई थिंक आई शुड ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग दिस वीडियोज। 30 डेज सिंगिंग ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज वॉट आई लर्न इन 30 डेज ऑन माई गिटार, पियानो चैलेंज 30 डेज, ट्रस्ट मी यू आर गना गेट व्यूज फॉर श्योर। नाउ देर इज अ मिसकंसेप्शन, आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी अ यूट्यूबर। वॉट इज अ यूट्यूबर? इट्स अ वेरी बिग थिंग यार, मतलब एक यूट्यूबर बनना इज लाइक यू विल हैव टू डेडिकेट योर सेल्फ टू दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ओनली, तुम्हें अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा शायद। मैं वो कह ही नहीं रहा करने के लिए, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम जो करते हो बस उसे डॉक्यूमेंट करो कि मैंने ये किया एंड उसे डाल दो, एंड एट द सेम टाइम डोंट एक्सपेक्ट मनी फॉर लाइक 1 ईयर, 1 साल तक भूल जाओगे तुम्हें उससे पैसे भी आने वाले। इनिशियली पैसे नहीं आते हैं, लोग गिव अप कर देते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत सारे पैसे आने लगेंगे, मैं डालूंगा रातों रात वायरल हो जाऊंगा, मैं आज तुम वीडियो डालोगे ना कल 1 व्यू भी नहीं आएगा, और 1 व्यू जो आएगा वो तुम्हारा और तुम्हारे भाई का होगा। सो इट्स टफ, बट द सेम टाइम वंस इट ग्रोज, वंस इट ब्लोज, मुंबई का निकल अंस लाइक हेल। सो गाइज, दीज आर द 4 वेज जिससे कि मैं पैसे कमाता हूँ और अपने वीडियोस में लगाता हूँ, जो कि तुम देखते हो, जो कि तुम्हें पसंद आता है, जो कि तुम शेयर नहीं करते हो क्योंकि तुम गंदे हो, मजाक कर रहा हूँ। बट ये आई थिंक गाइज, इसके अलावा ये जो मैंने 4 पॉइंट्स बताई, जो 2 चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं हमेशा अपने दिमाग में रखता हूँ। गाइज, दिस वीडियो इज इन एसोसिएशन विद डाउटनट। डाउटनट एक ऐप है जिसमें कि आप अपने सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, एंड इट्स सो सिंपल, यू जस्ट हैव टू क्लिक अ पिक्चर ऑफ योर डाउट, क्रॉप इट, सेंड इट, एंड यू गेट द वीडियो सॉल्यूशन इन 3 सेकेंड्स। ये क्लास 6 से लेकर क्लास 12 और NEET IIT JEE मेन्स एंड एडवांस के लिए अवेलेबल है। डजेंट मैटर कि तुम 1 महीने में 1 रुपये कमा रहे हो या फिर 1 करोड़ रुपये कमा रहे हो, अगर तुम्हें उसे सेव करना नहीं आता है तो सब कुछ यूजलेस है। जब तुम कॉलेज में आ गए हो या फिर तुम कहीं ऐसे जगह चले गए जहाँ पे तुम्हारी लाइफ अभी कुछ दिन तक वैसे ही रहने वाली है, आई विल से कि Day 1 से तुम्हें पैसे सेव करना आना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कहाँ पे कितने रुपये खर्च कर रहे हो। सेव एज मच एज़ पॉसिबल एंड ट्रस्ट मी, एज मच एज़ पॉसिबल, यू नेवर नो कब तुम्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। यार, स्किल्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस दुनिया में कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। अगर मान लो कि तुम गिटार सिखाने जा रहे हो, तुम्हें ज़्यादा अच्छा गिटार नहीं बजाना आता, तुम्हें ठीक ठाक आता है एंड यू आर लाइक कि मैं गिटार सिखा के ना बहुत पैसे कमा लूँगा, तो तुम क्या करते हो, बच्चों के पास जाकर गिटार सिखाते हो, तुम्हें 1 घंटे का 1000 रुपये देते हैं, तुम्हें पैसों का इतना ज़्यादा मतलब लालच सा आ रहा है कि तुम एक दिन में 10-10 घंटे गिटार सिखा रहे हो, 10,000 रुपये तुम दिन का कमा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट पता है इससे क्या होगा, क्योंकि तुम अपने आप को इम्प्रूव करने का टाइम ही नहीं दे रहे हो, तुम्हारा गिटार बजाने का स्किल्स ना वहीं पे फ्रीज हो जाएगा। शायद तुम उस 1 महीने में जो कि तुम उन बच्चों को जाके ट्यूशन देने में लगा रहे हो, तुम टाइम निकाल के अगर तुम खुद के
गिटार के स्किल्स को इम्प्रूव करने में लगाते हैं तो शायद तुम इतने अच्छे हो जाते हैं कि तुम सेशन गिटारिस्ट बन जाते हैं। अब ये सेशन गिटारिस्ट क्या होते हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि दूसरों के लिए दूसरों के गाने में जाके गिटार प्ले करते हैं, वो एक सेशन का करीब 10,000-15,000 चार्ज करते हैं। तो सोचो तुम बस 3-4 घंटों के 15,000 चार्ज कर सकते थे। सो इन द एंड ऑफ द डे यार, स्किल्स से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, दैट्स व्हाट आई फील। सो ऑलवेज प्रीफर कि तुम उतना ही ज़्यादा उतना ही पैसे कमाने का सोचो जितना कि तुम्हारा काम हो जाए, हमेशा ना दूर का सोचो, लॉन्ग रन का। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज ट्राई टू डू। जब मैं सेकेंड ईयर में था, आई हैव ऑलवेज ट्राइड कि मैं सिर्फ और सिर्फ उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करूँ testbook.com पे, जिससे कि मेरा मंथली खर्च निकल जाए। ये नहीं कि मतलब बैठ के रगड़ रहे हैं, रीजनिंग ही बना रहे हैं, एग्जाम में फेल हो रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं यहाँ testbook.com पे क्वेश्चन सॉल्व करके। इट मेक्स नो सेंस गाइज, मुझे हंसी आ रही है सोच के। इन केस यू आर प्लानिंग टू डू दैट, प्लीज़ कर्स योर सेल्फ, ज़्यादा टाइम मत देना उसको, अपने स्किल्स पे काम करो। बहुत आगे जाना है तुम्हें जिंदगी में, बहुत बड़ा करना है, ये तो बहुत छोटा सा टाइम है अभी। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, होप दैट यू लाइक द वीडियो। इन केस यू डिड, देन गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर गोना जॉइन कॉलेज और हु आर हैविंग दिस इश्यूज कॉलेज में रह के कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो पैसे कहाँ से कमाएं। एंड वंस अगेन, दीज आर माई वेज बाई विच आई हैव अर्न मनी इन द पास्ट और आई एम स्टिल अर्निंग मनी इन द प्रेजेंट। एंड फॉर श्योर देर आर सो मेनी पीपल जो कि इससे अच्छे तरीके भी जानते होंगे। डू चेक आउट अदर यूट्यूब वीडियोज, उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा तरीका बताया होगा। एंड थोड़ा तेज बनना है। इन केस यू ऑलरेडी आर यूजिंग समथिंग रियली नाइस टू अर्न मनी इन योर कॉलेज, Do let us know in the comment section below. हमें पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। एंड क्या पता शायद वो इतना अच्छा हो कि मैं भी उसे फॉलो करने लगूँ कल से, या फिर जब भी मैं कॉलेज जाऊँ तब से। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। न्यू वीडियो वेरी सून। थैंक यू सो मच।